मान सर आप लाइन पे है ना? हाँ गीत, गीत नहीं, आदि, मैं काम करता हूँ कि तुम, मैं ऑफिस में तुमसे मिलता हूँ, फिर मिलके बात करते हैं। ऑलराइट? ऑलराइट सर। गीत, वो लकी प्रीतो और देवनंदी, वो लोग बच्चे हैं ना? आई मीन शादी के बाद उनमें बचपना नहीं गया। अब तुमने देखा नहीं वो कैसे लड़ाई कर रहे थे? पर तुम फिक्र मत करो, मैंने उन्हें समझा दिया, वो समझ गए। तो आपको लगता है कि सब ठीक हो गया? हाँ हाँ गीत, मुझे लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया। लकी और पीतू तो पहले ही समझ गए थे, और फिर उसके बाद जब मैंने देवनंदिनी को समझा तो वो लोग भी समझ गए। तुम वहाँ पे थी नहीं तो, नहीं तो तुम देखते कि वो दोनों एक दूसरे को देख के ऐसे मुस्कुरा रहे थे। वो बस ऐसे स्माइल कर रहे थे, आपकी मूर्ति उनकी स्माइल चली गई थी। मान, बात बिगड़े उसके पहले हमें कुछ करना चाहिए। गीत, तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो। उन चारों के बीच में अब लड़ाई नहीं होगी। मैंने उन्हें समझा दिया गीत, और सुनो तुम फिक्र मत करो। अब जल्दी से मैं ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ, उसके बाद मुझे ऑफिस भी जाना है। मिसेस खुराना। यू वेलकम मिस्टर खुराना। बाबा जी, मान जो कह रहे वो सच हो। लकी, प्रीतो कहाँ है? ऊपर ही है, अपने रूम में। ऊपर है? वो नाश्ता नहीं करेगी? नहीं, वो बोल रही थी कि उसको भूख नहीं है। मारे कान थल्ले चपेड़, भूख नहीं है। हर समय कूर कूर के पोली पाली बच्ची को डराता रहता है। वो भूख तो अपने आप मर जाएगी ना। पतला करना है, पतला करना। ओए, इन्हें कोई मॉडलिंग करानी है कुड़ी से? मम्मी, गुड मॉर्निंग दीदी। गुड मॉर्निंग चाचा जी। मॉर्निंग। Good morning. Good morning. मामा जी, आप मुझे वो ब्रेड पास कर सकते हैं प्लीज? मामा जी, ये ब्रेड पास कर दीजिए। बाईपास तो सुना था, ब्रेड पास पहली बार सुन रहा हूं। थैंक यू मामा जी। Thank you.
एक्सक्यूज मी मैं भी चलता हूँ जी। मैं भी चलता बलवंत, मेरे को होम मिनिस्टर ने नाश्ते में बुलाया। देखा ना मान, मैंने आपसे कहा था ना, अभी भी इन लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। अंकित, पर मुझे लगता है कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जितना तुम सोच रही हो। अब देखो, नई शादी में झगड़ा होता ही रहता है, और मुझे लगता है कि इनके बीच में हमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ठीक है, इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि जब तक मान को मुसीबत का एहसास हो ना, तब तक बहुत देर हो जाए। आनंद, तो क्या सॉल्यूशन ढूंढा है तुमने गुड़गांव वाले प्रोजेक्ट का? मैंने 2-3 सॉल्यूशन ढूंढे हैं। मेरे ख्याल से हेलो, हाँ हाँ, चीनी नहीं खानी है, दूध भी बिना चीनी के पीना है, और चाय भी बिल्कुल मीठा नहीं खाना है। हाँ, हाँ तो नंदनी, तुम कुछ कह रही थी? हाँ जी चाची, जी मेरे ख्याल से हमें इस इश्यू को प्रॉपर्टी डीलर के लेवल पे सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि जहाँ तक मैंने पता किया है, ये सारे प्रॉब्लम्स उस प्रॉपर्टी डीलर की वजह से हुआ है जिसने ये डील करवाई है। हमें थोड़ा सा सख्ती से पेश आना चाहिए, उसके बाद ही हमारे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। नहीं ब्रो, हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमें जो गुड़गांव में वो साइट मिली है, वो उस डीलर की वजह से मिली, और ब्रो कोई छोटा मोटा आदमी नहीं, बहुत बहुत नाम है उसका गुड़गांव में। मुझे लगता है कि अगर हमने उससे सख्ती से बात की तो ये साइट हमारे से जा भी सकती है। एंड आई थिंक कि अगर हम उससे प्यार से बात करेंगे तो वो समझ जाएगा, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। हाँ जी चाची, पर प्यार की भाषा सबको समझ नहीं आती ना। जो लोग सिर्फ सख्त जुबान में बात करते हैं, उनको प्यार के बारे में क्या मालूम। मना किया ना बार बार फोन करने के लिए, क्यों बार बार फोन कर रही हो तुम? मीठा नहीं खाना है, मतलब नहीं खाना है। सॉरी जी, मैं एक मिनट अभी आया। मीठा खाने के लिए मना करूंगा, तुम रसगुल्ला की बात कर रही हो। चीजा जी, मैं भी अभी आई। ब्रो एक्सक्यूज मी, मैं भी आता। तो मैं भी आऊं? मुझे तो लग रहा था कि इन चारों के बीच सब कुछ ठीक हो रहा है, पर ये लोग तो अभी भी बच्चों में से लड़ रहे हैं। ये मान मुझसे क्या बात करना चाहते, और ये सब लोग आज ऑफिस से जल्दी क्यों आ गए? क्या हुआ मान, ऐसे आपको क्या बात करनी थी जो आपने मुझे ऑफिस से फोन किया? उसी बारे में गीत, तो तुम कह रही है, तुम्हारा शक बिल्कुल सही है। देव, नंदिनी, प्रीतू, लकी, इनके बीच में फासला बढ़ता जा रहा है, इनकी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। कि अगर इनकी प्रॉब्लम को अगर हमने अभी नहीं रोका ना, तो बात बिगड़ जाएगी। इसलिए गीत, हमें कुछ करना होगा। फिक्र मत कीजिए, मेरे पास प्लान रेडी। प्लान क्या? अच्छा प्लान, थैंक यू।
बेपरवाह हो, बिल्कुल इनसेंसिटिव। शादी के पहले कैसे मेरे पीछे पीछे घूमते थे, मैं एक बात सोचू उसे पहले ही पूरी कर देते थे। लेकिन अब आपको मेरी बिल्कुल कदर नहीं है। अरे लकी पाजी, आई आई दीपा जी, क्या हुआ? अरे बैठिए ना। हाँ जी पाजी, मेरे को आपसे बहुत जरूरी बात करनी है जी। क्या हो गया लकी पाजी? कहीं आपके और प्रीतो के बीच में कोई सीरियस झगड़ा तो नहीं हो गया? नहीं नहीं पाजी, प्रीतो नहीं जी, इस बार तो मैं आपसे दीदी और जीजा जी के बारे में बात करने आया। क्या हो गया प्रोरगीत को? कहीं उन दोनों के बीच में भी तो? अब नहीं नहीं पाजी, कैसी बात कर रहे हो जी आप? छुप छुप बोलो जी, आपके घर में कम झगड़े हो रहे हैं जो आप उनके बारे में ऐसी बात सोच रहे हो? लेकिन वो लोग ना हमारी वजह से बहुत परेशान है जी। क्यों? वो जी अभी थोड़ी देर पहले ना मैंने उन लोगों को हमारे बारे में बात करते हुए सुना था। वो हमारे मतलब मेरे प्रीतो के और आपके और नंदिनी के बारे में बात कर रहे थे। हमारे झगड़ों को लेकर वो बहुत परेशान है जी, पता नहीं बहुत ही गहरी चिंता में डूबे हुए थे। और उनको उस हालत में देख के मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। ये तो बहुत गलत हो रहा लकी भाजी। अरे इतनी मुश्किलों के बाद उनकी जिंदगी में कुछ खुशियां आई है और हम लोग उन्हें दुख दे रहे हैं। नहीं लगी पाजी, हम ऐसा नहीं होने देंगे। वो दोनों हमारी वजह से परेशान नहीं होंगे। पाजी मैं भी तो वही बोल रहा हूं, आखिर उन लोगों के प्रति हमारा कोई फर्ज बनता कि नहीं बनता? ए जिगर, बड़ा आया फर्ज का पुत्र, बड़ा तेरे कान थल्ले चपेट। भूल गया बलवंत ने तेरे लिए क्या क्या किया? कैसे बहन को मनाया होगा, तेजी को मनाया होगा, प्रीतो के पापू को मनाया होगा। कोतिया तेरी शादी करवाई और तूने ये दिला दिया उसे? जा जाके उसकी चिंता दूर कर, जा जा जल्दी जा। मामे चुप कर यार, शांति रख और कभी तो सीरियस बात कर लिया कर। नहीं चिंता ना होगी, तेरे दारू का पहुआ हो गया पी लिया और खत्म। उसके बारे में सोचना समझना पड़ता है और हम लोग वही बात कर रहे थे। हाँ मामा जी, हमें भी ब्रो और गीत की चिंता है और हम उसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, प्लीज टेंशन मत लीजिए। एक मिनट मानसिंह खुराना जी, मेरे को तो आपकी भी गलबात समझ में नहीं आती। वैसे तो आप बलवंत के छोटे प्राव अगर हमेशा नलायकियां करते रहते हो। अरे ज्ञान बताओ, और ये ब्रो कौन है? ये बंदा के जनानी, उसकी तो मैं ऐसी थी तैसी। हमें वो ना तेरे लिए किचन में ना खाना रखा है, जा जाके खा ले जा। और नहीं, आजकल मैंने खाना पीना छोड़ दिया, मेरा ट्रेनर आ रहा है ना, मैं वर्जिश करूंगा। वही तेरा ट्रेनर आया, वो इतना बड़ा खंबा लेके आया, जा जाके वर्जिश कर ले जा। हैं? अच्छा लकी पाजी, वैसे कुछ भी हो मामा जी एक बात तो सही कह गए। अरे ब्रो और गीत हमारे लिए इतना कुछ करते हैं लेकिन हम उन्हें सिर्फ दुखी देते हैं। पाजी बात तो एकदम ठीक है जी, लेकिन अब हम करें भी तो क्या करें? लकी पाजी इस बात का एक ही हल है, आज के बाद में हम लोगों के बीच में कोई भी झगड़ा हो, कोई भी टेंशन हो, वो हम ब्रो और गीत को पता नहीं चलने देंगे। अंदर की बात अंदर ही रखेंगे। बिल्कुल सही कहा जी आपने, हमारे बीच में अगर कोई भी झगड़ा होगा ना तो हम आपस में सुलटा लेंगे कमरे की चार दीवारी के अंदर। एग्जैक्टली, तो आज के बाद ब्रो और गीत के लिए हमारे सारे झगड़े खत्म। हाँ जी पक्का जी, ऑल द बेस्ट। बेस्ट ऑफ लक, सेम टू यू जी। नंदिनी, बस बहुत हो गया नंदिनी। अरे क्या हमने लड़ने झगड़ने के लिए शादी की है? चलो एक काम करते हैं, अब तक जो कुछ भी हुआ है वो सब भूल जाते हैं और एक नई तरीके से जिंदगी शुरू करते हैं और एक दूसरे को ये प्रॉमिस करते हैं कि आज के बाद हम दोनों के बीच में कोई गलत फहमी नहीं होगी, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। पीत को कॉफी लाने को कहा था, पता नहीं कहां चली। हाँ देव, आपने बिल्कुल सही कहा। आज के बाद हम झगड़ा नहीं करेंगे।
मामाजी भी ना किचन का सारा सामान यहाँ से वहाँ कर देते हो। यहाँ मान को कॉफी चाहिए और मामाजी ने डब्बा ही गायब कर दिया था। बेचारे मान। ये तुम एक दूसरे को ऐसे घूर के क्यों देख रहे? फिर से कहीं झगड़ा तो नहीं हो गया ना? हे मामाजी। पितो जी, मैं ये आपके लिए नए सलवार कमीज बनवा के लाया हूँ। मेरे लिए? हाँ जी। और जी, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। पता नहीं मैं आपको ऐसे क्यों वजन कम करने के लिए बोल रहा था। मैंने आपसे प्यार किया है और जब प्यार किया था तब भी आप ऐसे ही थे। मैं अब आपको कभी पतला होने के लिए नहीं बोलूंगा। आप जैसे हो बहुत अच्छे हो। ना लक्की जी ना, आप खुद को गलत मत कहिए। मैं जानती हूँ, अगर आप मुझे पतला होने के लिए कह रहे थे तो मेरे भले के लिए कह रहे थे, ना कि इसलिए कि आपको मेरे मोटापे से शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। तो ठीक है जी, कल हम घूमने जाएंगे। हाय सच्ची? और आप मेरे पसंद के सूटों में से सूट पहनना। आप जो बोलोगी हम वही खाएंगे और ढेर सारी प्यार की बातें भी करेंगे। हाय, कॉफी? खुशी की वजह कुछ खास लगती है जो तुम इतना मुस्कुरा रही? मान, लक्की वीर जी और पीतो के बीच में सबको ठीक हो गया। पता है मैंने दोनों को प्यार से बात करते हुए देखा। ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे खुशी तो आपके चेहरे पर भी दिख रही है। बच्चा बताना चाहे तो बता सकते। देवनंद। क्या उनका झगड़ा भी खत्म हो गया? लेकिन ये सब कैसे हुआ? मैंने उनकी बातें सुनी। बहुत समझदारी वाली बात कर रहे थे। कह रहे थे कि एक दूसरे से झगड़ा नहीं करना चाहिए, प्यार से रहना चाहिए। शुक्र है पापा जी का। और पता है लक्की वीर जी पीतू के लिए नया सलवार सूट लेकर आए और उन्होंने कहा है तुम्हारे मोटे होने पर मुझे कोई एतराज नहीं है। शुक्र है पापा जी का। बिना मांगे ही पापा जी ने हमारी सुन ली। और मान, हम लोग ये सोच रहे थे कि अगर इनकी टेंशन बढ़ जाएगी, इनकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी तो हम क्या करेंगे, पर अब सब कुछ ठीक हो गया। प्रीत, जब मोहब्बत सच्ची हो ना तो कोई मुश्किल टिक नहीं सकती। प्यार खुद ही मुश्किल का इलाज है।